Alright children, let's solve the equations. Let's have more practice on solving the equations. We have first equation as 4 upon 5 plus x equal to 9 by 5. Remember, solving the equation means finding the value of the unknown, which makes the left hand side equal to right hand side. To find the value of x here, we have to remove 4 by 5. Jiski value nikalni hai, x ki value nikalni hai, to x ke saath jo bhi number hai, उसे हमें शिफ्ट करना है टू द अदर साइड. एक्स के साथ यहाँ पे क्या है 4 बाय 5. वन एक तरीका तो ये है कि आप दोनों साइड 4 बाय 5 माइनस कर दीजिए. दिस वन वे, लेट मी डू बोथ द वेज. वन वे इज वन वे या फर्स्ट वे, फर्स्ट मेथड, 4 बाय 5 हमें रिमूव करना है लेफ्ट से, तो हम 4 बाय 5 को माइनस कर देंगे लेफ्ट में भी और राइट में भी. ये तो आपके रूल्स ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन है. सेम क्वांटिटी माइनस करें अगर इक्वेशन में, तो इक्वेशन बैलेंस्ड रहती है, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता. ये डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. दिस वन वे 4/5 रिमूव करने के लिए हमने -4/5 दोनों इक्वेशन की दोनों साइड में लगा दिए. नाउ 4/5 -4/5 जीरो हो गया, कैंसिल आउट हो गया. सो लेफ्ट हैंड साइड व्हाट इज लेफ्ट, एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है इक्वल टू, राइट साइड में क्या आ रहा है 9. सी 9/5 -4/5 डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन लिया, न्यूमरेटर्स रिस्पेक्टिवली माइनस कर देंगे ओवर द डिनोमिनेटर. तो एक्स की वैल्यू आ गई 5, 9 -4/-4 कितना होता है 5/5. 5 डिवाइड बाय 5 क्या होता है 1. तो एक्स की वैल्यू हो गई 1. दिस इज वन वे. इसका ऑल्टरनेटिव भी है, एक और तरीका आप चाहो डायरेक्ट कर सकते हैं बिना 4/5 दोनों साइड माइनस किए. सो अनदर वे इज, दिस इज अनदर वे, यू चूज व्हिच एवर वे यू लाइक. 4/5 plus x is equal to 9/5. मैथ्स में, मैथमेटिक्स में एक ही आंसर को अचीव करने के बहुत तरीके होते हैं, सब सही होना चाहिए बस. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4/5 को डायरेक्टली राइट में शिफ्ट कर देंगे. इसे हम ट्रांसपोजिंग भी बोलते हैं. तो आप एक वर्ड है जो आपकी बुक में भी आपको मिलेगा, ट्रांसपोजिंग. ट्रांसपोजिंग का मतलब होता है शिफ्टिंग. Shifting the term from one side to another is called transposing. तो हमें 4/5 को ट्रांसपोज करना है राइट में, क्योंकि हमें निकालनी है x की वैल्यू. तो we have to shift 4/5 on the right side. Shift 4/5 on the right side. ये ध्यान दीजिए, इक्वेशन में जब हम कोई भी टर्म ट्रांसपोज कर रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका साइन रिवर्स हो जाएगा. जो साइन उसका लेफ्ट में है, राइट में जाके उसका अपोजिट हो जाएगा. 4/5 लेफ्ट में क्या है, पॉजिटिव है, एड हुआ पॉजिटिव है, सी सर कोई साइन है तो क्या है पॉजिटिव. तो राइट में आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव. सो कोई भी टर्म अगर अपना साइड चेंज करता है तो उसका साइन रिवर्स हो जाता है, ये नोटिस कर लीजिए आप. सो इन एन इक्वेशन इफ एनी टर्म इज ट्रांसपोज फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड, इट्स साइन गेट्स रिवर्स्ड. प्लस हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट, माइनस हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट, मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये यहाँ पे होने वाला है. हमने ऐसा ही किया, 4/5 को राइट में लिया, 4/5 लेफ्ट में पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, राइट में जाके क्या हो गया माइनस. तो 9-4 कितना हुआ, सॉल्व कर लीजिए. देखिए वही स्टेप आ गया जो हमारा पहले तरीके से हमने किया. 5 हमने डिनोमिनेटर में कॉमन लिया, 9 और 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 5/5 Both ways are going to get the same result. You can follow any way you like. So, first part of the question is done. The answer is x is equal to 1. You can always check your answer in the exam. If you want to check your answer, like, aapka answer sahi aaya hai ki nahi, x ki value, the solution is right or not, agar aapko verify karna hai, if you want to verify for yourself, then kaise verify karenge? Verify karne ka tarika kya hai? Verify agar question mein pucha ho, to verify karna hai. Yahan nahi likha, solve hi likha hai. अगर सॉल्व एंड वेरीफाई लिखाओ तो आपको वेरीफाई करना है. वेरीफाई मतलब चेक, वेरीफाई करना मतलब चेक द आंसर. व्हाट एवर आंसर यू कॉल, whether it is right or not, that is what we call as verification. x की वैल्यू कितनी आई थी, हमने निकाली थी x की वैल्यू 1 आई थी. लेट्स वेरीफाई ये सही है कि नहीं, लेट्स वेरीफाई और लेट्स चेक whether this value or whether this is the solution of this given equation or not. तो क्या करेंगे, दिस वैल्यू ऑफ x विल सब्स्टिट्यूट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. लेफ्ट हैंड साइड के इस इक्वेशन का 4/5 plus x. So we'll put the value of x. What do we get? 4/5 plus 1. Add kariye. Add karne se pehle dekh lijiye denominator dono ka same nahi hai. Denominator
फाइव हुआ, फाइव से मल्टीप्लाई किया रिस्पेक्टिवली डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो फोर प्लस फाइव कितना आ रहा है, नाइन बाई फाइव आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक्स की वैल्यू डाली, सब्स्टिट्यूट की तो क्या आ रहा है, नाइन बाई फाइव। सो वी आर गेटिंग द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। दिस इंप्लाइज दैट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू वन मेक्स द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड, सो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कंफर्म्ड हो गया। तो वेरिफिकेशन जब तक क्वेश्चन में ना पूछा जाए, डोंट वेरीफाई, यू कैन वेरीफाई फॉर योर सेटिस्फेक्शन, फॉर योर सेल्फ कंफर्मेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये सिक्स अपॉन टू प्लस फोर अपॉन थ्री इक्वल टू वन बाई थ्री। अगेन टू सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अननोन व्हिच इज वेरिएबल एक्स हियर, लेट्स फाइंड आउट। देखिए कुछ क्वेश्चन में आप सोचोगे एक्स एक्स ही आ रहा है, तो कुछ क्वेश्चन में एक्स एक्स आ रहा है, मतलब ये कि हर क्वेश्चन एक्स ही होगा, वेरिएबल कोई भी लेटर हो सकता है। तो हमारे कॉन्सिडेंटली दोनों क्वेश्चन में वेरिएबल एक्स था, हम फिर देखा मोर क्वेश्चन से वेरिएबल एक्स के अलावा कोई लेंगे, पर कंसेप्ट वही है सॉल्व करने का। एक्स अपॉन टू प्लस फोर अपॉन थ्री इक्वल टू वन बाई थ्री सॉल्व करना है हमें, डायरेक्ट करेंगे, दोनों तरीके से करना है आपके मर्जी, विच एवर वे यू वांट टू चूज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्स बाय टू अकेले छोड़ना है, फोर बाय थ्री को राइट में ट्रांसपोज करना है, तो फोर बाय थ्री को वी विल ट्रांसपोज ऑन दी अदर साइड। फोर बाय थ्री का साइन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव एड हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस वन बाय थ्री, फोर बाय थ्री को यहाँ शिफ्ट किया, फोर बाय थ्री का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस फोर बाय थ्री था तो वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस फोर बाय थ्री। नोटिस द साइन विल गेट रिवर्स व्हेनेवर अ नंबर चेंजेस इट्स साइड इन द इक्वेशन, द साइन गेट्स रिवर्स। सो नेक्स्ट व्हाट डू वी गेट, एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू, सो द डिनोमिनेटर आर सेम, सो नो प्रॉब्लम ऑफ टेकिंग एनी एलसीएम, डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया, सबट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स वन एंड फोर ओवर द डिनोमिनेटर, वी नो द सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, वन में से हम फोर माइनस करेंगे कितना आएगा, स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर नंबर माइनस करेंगे तो क्या आता है, नेगेटिव में आंसर आएगा, ग्रेटर नंबर नेगेटिव है तो उसका रिजल्ट हमारा जो आएगा माइनस में आएगा। वन में से फोर माइनस करेंगे कितना आएगा थ्री, फोर और वन का डिफरेंस कितना था थ्री, तो माइनस थ्री आया अपॉन थ्री, माइनस थ्री अपॉन थ्री, सिक्स अपॉन टू इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस थ्री अपॉन थ्री, जब लिख सकते हैं डिवाइड करिए तो कितना हो गया माइनस थ्री डिवाइड बाई थ्री माइनस वन हो गया। What are we getting? X upon 2 equal to minus 1. We are getting X upon 2 equal to minus 1. So we have to find the value of X. This is not yet done. X is already calling it. Upon 2 hatana padega. Upon 2 ka matlab divide by 2. So ab divide by 2 hame nikal kar right. We have to shift it to the right side. We have to shift divide 2 upon 2. We have to shift 2 on the right side. Remember, whenever you have to transpose a term from one side of the equation to the other side, the sign gets reversed. डिवाइड बाई टू है तो राइट में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय टू, डिविजन का अपोजिट मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस वन डिवाइड बाई टू आ जाके क्या होगा राइट में मल्टीप्लाई बाय टू, सो अपॉन टू था डिवाइड टू था तो यहाँ क्या हो गया मल्टीप्लाई बाय टू, रिजल्ट क्या आ गया हमारा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इज द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। यू कैन वेरीफाई, वेरीफाई करना बहुत आसान है, एक्स की वैल्यू लेफ्ट में डाल दीजिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन द लेफ्ट साइड, वेरिफिकेशन कर लेते हैं फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, लेट्स वेरीफाई दिस इज द सॉल्यूशन, ऐसे यहाँ पे छोड़ यू विल जस्ट लीव द आंसर ओवर हियर, वेरिफिकेशन इज नॉट आंसर इन द क्वेश्चन, वेरिफिकेशन यू कैन डू द रफ वर्क फॉर योर सेटिस्फेक्शन। सो वी कैन पुट द वैल्यू एक्स इक्वल टू माइनस टू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, व्हाट डू वी गेट, माइनस टू अपॉन टू प्लस फोर अपॉन थ्री, द लेफ्ट हैंड साइड में वी आर सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ एक्स, अभी एलसीएम लेते हैं क्योंकि टू और थ्री अलग अलग डिनोमिनेटर है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, टू और थ्री का एलसीएम कितना होता है यू नो इट इज सिक्स, मल्टीप्लाई बाय थ्री रिस्पेक्टिव नंबर टू मेक इट सिक्स, तो ऊपर कितना आएगा माइनस सिक्स प्लस यहाँ भी थ्री से टू को मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स आएगा, तो न्यूमरेटर में भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर टू जो एट, व्हाट डू वी गेट, एट माइनस सिक्स कितना हुआ टू अपॉन सिक्स, व्हाट आर द गॉट वन अपॉन थ्री। Are we getting the left hand side result equal to the right hand side? Yes. That means the value of x that we have found is correct. So verification is only for self satisfaction. Unless and until question mein agar pucha gaya ho verify your solution, to phir verify nahi kar dena. Alright. Let's take up some more questions. We'll take two more questions and then you can do similar type of questions in the homework also. So let's take two more questions. अब
आपको डेसिमल कैलकुलेशन आती होगी, आपने सेवेंथ में की, एक डेसिमल कैलकुलेशन वाला इक्वेशन करते हैं, इक्वेशन में डेसिमल कैलकुलेशन करते हैं, थर्ड इक्वेशन करते हैं, जो डेसिमल में नंबर x upon 1.2 equal to 1.5, पर डिफिकल्ट नहीं है, ओनली द नंबर्स इन्वॉल्व आर इन डेसिमल. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सॉल्व दिस इक्वेशन. x की वैल्यू निकालनी है तो 1.2 को पहले ट्रांसपोज करेंगे राइट में, क्या होगा डिवाइड बाय 1.2 है, तो राइट में जाके क्या होगा, साइन ऑपरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन टू मल्टीप्लाई. सो x इक्वल टू 1.5 इंटू 1.2. आपको डिविजन, आपको मल्टीप्लीकेशन आता है डेसिमल्स का, पहले आप डेसिमल्स को इग्नोर करिए, 15 इंटू 12 कितना होता है चेक कर लीजिए, 15 इंटू 12 कितना ही आता है, 180. फिर डेसिमल्स लगाएंगे, कितने डेसिमल है टोटल, डेसिमल प्लेस है टोटल इन दोनों नंबर्स में, 1 इसमें 1 इसमें, कंबाइन करें 2, तो आंसर में हम 2 डेसिमल प्लेस लेफ्ट में जाएंगे, तो आंसर में 2 डेसिमल प्लेस लेफ्ट में गए तो 1.80 आ रहा है. 1.80 को हम 1.8 भी ले सकते हैं, बिकॉज 100th पार्ट तो एम्प्टी है, तो 1.8 इज इक्विवेलेंट टू 1.80, दिस इज द सॉल्यूशन. लाइकवाइज लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड सिमिलर क्वेश्चंस यू विल गेट इन द असाइनमेंट आल्सो. दिस इज 7x प्लस 5 इक्वल टू 19 को चेक करे थे आपको मैं सारे, आपने देखे होंगे x की वैल्यू आते हैं अभी तक होल नंबर्स में आ रही है या इंटीजर में आ रही है, जो x की वैल्यूज है वो कोई भी रैशनल नंबर हो सकती है, जरूरी नहीं x की वैल्यू होल नंबर में ही होनी चाहिए या इंटीजर होनी चाहिए. द वैल्यू ऑफ x कैन बी एनी रैशनल नंबर, वैल्यू x कैन बी एनी रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर पता है आपने लेसन चैप्टर 1 में किया था, तो x की वैल्यू इसका मतलब कोई भी रैशनल नंबर हो सकती है p by q फॉर्म में, जो प्लस माइनस वाले पहले रिमूव होगा, जो सबसे नजदीक वाला है इसके नजदीक सबसे है 7, वो बाद में रिमूव होगा, एक से दूर है प्लस 5, तो विल रिमूव प्लस 5 फर्स्ट, प्लस 5 को राइट में लेके जाएंगे, साइन ऑफ ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा, यहाँ प्लस 5 होता है यहाँ जाएगा माइनस 5, तो इस तरह हो जाएगा 7x इक्वल टू 16 माइनस 5, 7x इज इक्वल टू 16 में से 5 माइनस किया 11, अब हमें 7 रिमूव करना है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे ना जितने भी नंबर उसके साथ है सब रिमूव करते जाने, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x वी नीड टू रिमूव 7, इस 7 हमें हटाना है, 7 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट में, अभी 7 इंटू x है, कोई ऑपरेशन नहीं है 7 और x के बीच में, तो क्या है मल्टीप्लाई, 7 टाइम्स x भी बोलते हैं इसको, 7 टाइम्स x मीन्स 7 इंटू x, तो अब ये 7 इंटू x जब 7 जाएगा राइट में तो क्या हो जाएगा साइन चेंज, मल्टीप्लाई साइन क्या हो जाएगा आगे जाके डिवाइड, डिवाइड बाय 7, नेक्स्ट हो जाएगा 11 डिवाइड बाय 7, या 11 अपॉन 7 की बात है, सॉल्यूशन इज 11 बाय 7. सो यू विल डू सम मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप इन द होम.